आदाब, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर में अजमेर रोड स्थित हीरापुरा पावर हाउस में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। पावर हाउस की घास में लगी आग देखते ही देखते भीषण हो गई। पूरे ग्रिड सब स्टेशन GSS को आग ने चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलने पर VKI मानसरोवर मालवीय नगर झोटवाड़ा और 22 गोदाम से दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर CFO राजेंद्र नागर पूरी टीम के साथ डटे हुए थे। आसपास के लोग छतों पर चढ़कर आग की लपटों को देख रहे थे। राजेंद्र नागर ने बताया कि फायर कंट्रोल रूम को शाम 6:57 पर लोगों ने आग लगने की जानकारी दी। आग GSS परिसर के घास में लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। 440 kV में आग लगने के दौरान 4 कर्मचारी मौके पर थे। SBI स्विच बोर्ड अटेंडेंट और गार्ड इनमें शामिल है। CFO राजेंद्र नागर ने बताया आग लगभग पूरे GSS में फैल चुकी थी। यहां पर कई केबल थी, साथ ही बिजली सप्लाई भी चालू थी, जिसे देखते हुए बड़ी सावधानी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था। किसी तरह जनहानि की सूचना नहीं है। हीरापुरा पावर हाउस से पूरे जयपुर शहर में बिजली सप्लाई की जाती है। ये 440 kV का GSS है। यहाँ से चंबल पावर हाउस, नला पावर हाउस, राम मंदिर पावर हाउस, सांगानेर पावर हाउस में बिजली सप्लाई की जाती है। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो ये आग लगने का सही कारण पता नहीं चल सका है। GSS के पास रहने वाले अजय शर्मा ने बताया कि वह घर की छत पर परिवार के साथ घूम रहे थे। इसी दौरान उन्होंने GSS में आग की चेन देखी। इसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात करीब 9 बजे आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफिज़।